निरपेक्षता का अर्थ है गुटों से निरपेक्ष रहने की नीति। गुट यानी कि अमरीकी जो कि पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन करते हैं और दूसरा गुट सोवियत गुट जो कि साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो ये चीज चूंकि 1945 के बाद से द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके पश्चात विश्व को दो भागों में देखा जाने लगा, दो ध्रुवों में विश्व का बंटवारा हुआ। किस तरीके से पहला पूंजीवादी गुट जहाँ की अमेरिका और बाकी उसके समर्थक देश जो थे और दूसरा सोवियत रूस जहाँ पर की साम्यवादी विचारधारा वाले और पूर्वी यूरोप के देश जो कि सम्मिलित थे। इस कारण से जब 1945 के बाद एशिया और अफ्रीका के कई तरह के देश जो उपनिवेशवादी माहौल में जी रहे थे जो कि पुर्तगाल फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेश बने रहे थे जब वो धीरे धीरे करके आज़ाद होने लगे उसके बाद एक प्रश्न ये उपस्थित हुआ सामने कि ये उपनिवेश जो अब आज़ाद हुए हैं इनके यहाँ स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं, संप्रभुता इन राष्ट्रों को मिल चुकी है, तो ये किस गुट में शामिल होंगे इस चीज़ की चर्चा की जाने लगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नेहरू नासिर टीटो इंडिया यूगोस्लाविया और ग्रीस ये तीन देशों के जो राष्ट्र नेता थे उस समय उन लोगों ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय किया कि हम किसी भी इस तरह के अमरीका या सोवियत रूस ऐसे किसी भी सैनिक गुट में हम शामिल नहीं होंगे। इसका जो प्रमुख कारण था वो ये कि बहुत लंबे समय तक हम जो एक गुलामी जो एक परतंत्रता के माहौल में जीवन जी रहे थे वापस से आज़ाद होते ही हम उस गुलामी की तरफ नहीं जाना चाहते थे। दूसरा इसका सबसे प्रमुख का एक और इसमें कारण माना जा सकता है कि आर्थिक रूप से हम जो चीज़ों को ले जाना था हमको हमारी अर्थव्यवस्था को जो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था थी उसके लिए ये ज़रूरी था कि अमरीकी गुट और सोवियत गुट इन दोनों गुटों से हमको सहायता मिले, इन दोनों गुटों से हम चीज़ें हमारी व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ग्रहण कर पाए। यदि एक गुट में शामिल होते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली अर्थ ये हो गया कि हम दूसरे गुट के विरोधी हैं और विरोध के कारण हो सकता है कि हमको कई नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़े। और ये बिल्कुल सही कहने वाली चीज़ है कि एक गुट से यदि सहायता मिलेगी और हम उस गुट में शामिल हैं तो दूसरे गुट से हमको किसी भी तरह की सहायता तो नहीं ही मिलेगी बल्कि हम उस गुट के बिना किसी ठोस हमारे स्वयं के कारण के उसके हम दुश्मन हो जाएंगे, उसके हम विरोधी बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ इसका शुरू में क्योंकि अमरीका और सोवियत रूस इन देशों को और बाकी के जो इनके समर्थक देश थे इनके लिए ये समझ से परे की बात थी कि यदि दो सैनिक गुट हैं विश्व में विद्यमान तो आप किसी गुट से निरपेक्ष कैसे रह सकते हो। इसका जवाब नेहरू नासिर और टीटो इन तीन लोगों ने दिया कि हम गुट से निरपेक्ष हैं, हम विश्व में होने वाली घटनाओं से निरपेक्ष नहीं हैं क्योंकि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी विश्व की घटना पर अपना मत रखेंगे और वो मत हम अपनी संप्रभुता अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए रखेंगे कि किस तरीके से हमको कौन सी चीज़ पर क्या रुख व्यक्त करना है, क्या बयान देना है, क्या स्टैंड रखना है, हमको किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है। दोनों गुटों से हमको सहायता लेनी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की इस समय डिमांड यही है कि हमको विश्व के हर जगह से जहाँ से हमको सहायता मिल सकती है वो सहायता हमको मिले। तो धीरे धीरे जाकर के ये चीज़ लोगों को समझ में आने लगी विश्व के जो बाकी के देश थे अमेरिका और सोवियत रूस। हालांकि अब इन चीज़ों का कोई इस तरह का प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तीसरा कारण हम इसका एक और मान सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो बात की जाने लगी तो इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आधार ये नहीं था कि हमको गुटों से निरपेक्ष रहना है क्योंकि ये एशिया और अफ्रीका के वो देश थे जो कि बहुत लंबे समय तक परतंत्र रह करके बाहर निकले थे, आज़ाद हुए थे। इनको अपना सर्वांगीण विकास पर फोकस करना था, बल देना था। वो फोकस किस तरीके से दिया जाएगा कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश हैं ये आपस में मिलकर के हर तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक वैदेशिक आर्थिक हर तरीके से अपना विकास करें और आपस में इंटरेक्शन करके एक दूसरे के साथ में संबंधों को बढ़ावा दे करके ये विकास को आगे ले जाना चाहते थे। बहुत बड़ा फायदा इसका ही देखने को मिला चूँकि अमरीका और सोवियत रूस उस समय पर 45 के बाद से ही शीत युद्ध में इन्वॉल्व थे या शीत युद्ध इन दो गुटों के बीच में चल रहा था। इसी कारण से ये बात भी निकल करके आई कि गुटों से निरपेक्ष रहना है। तो शीत युद्ध के बाद में कुछ समय का हमें 10 साल का दितांत का अर्थ है कि तनाव
तनाव शैथिल्यता में कमी, अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में जो तनाव चल रहा था उसमें शिथिलता, तनाव में शिथिलता, तो वो तनाव शैथिल्यता का समय एकांत का वो भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितना ज़्यादा शस्त्रीकरण, जितना ज़्यादा परमाणु अस्त्रों की होड़, इनके पीछे दोनों गुट अमेरिका और सोवियत रूस और इनके समर्थक देश जो इस होड़ में लगे हुए थे, जो इस दौड़ में बहुत बुरी तरह लगे हुए थे, उसके लिए भी जरूरी था कि विश्व के ऐसे देश जो कि गुट निरपेक्ष हैं इनके साथ बहुत बड़ी संख्या में देश शामिल हों, जिससे कि निरस्त्रीकरण की बात की जा सके, जिससे कि परमाणु शस्त्रों की जो होड़ है उसको किसी तरह से कहीं पर रोकथाम की जा सके। क्योंकि कोई भी अस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण या परमाणु शस्त्र ये विश्व को एक तरीके से विश्व युद्ध की तरफ ही लेकर के जाएंगे। चूँकि हम दो विश्व युद्धों का दंश झेल चुके थे, तीसरे विश्व युद्ध का हमको सामना न करने पड़े, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का मतलब होता पूरी तरह से संपूर्ण विश्व का खात्मा, जो कि हम नहीं चाहते थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको भी माना जा सकता है कि तनाव शैथिल्यता में कमी करके ये चीज़ों को और ज़्यादा सरलीकरण की तरफ लेकर के आया, चीज़ों को और ज़्यादा निरस्त्रीकरण और परमाणु शस्त्रों की होड़ से लोग दुनिया के देशों को पीछे ले जाना, ये एक माना जा सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में आज बात होती है, क्योंकि अब आर्थिक आधार पर विश्व को देखा जाता है। पहले जो कि राजनीतिक आधार था, विश्व पूर्व और पश्चिम में बना हुआ था, आज आर्थिक आधार पर बात करें, क्योंकि अमेरिका जो कि सुपर पावर के हिसाब से ये कहता है कि हम एकमात्र विश्व सुपर पावर हैं, तो विश्व जो है एकजुट है आर्थिक आधार पर। लेकिन विश्व की बाकी की जो सुपर पावर्स हैं, बाकी की जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, जैसे कि जापान है, चाइना है, कोरिया है, इंडिया को भी बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी महाशक्ति आज माना जा सकता है, क्योंकि भारत भी, हमारा देश भी आज एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है भारत। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत प्रासंगिक तो नहीं है, क्योंकि इसका जो आधार था गुट से निरपेक्ष रहना, वो चीज़ तो अब खत्म हो गई है, क्योंकि विश्व को हम बहुध्रुवीय आर्थिक नज़रिए से देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि अब गुट नहीं है तो ये पूरी तरह से अप्रासंगिक है। ये प्रासंगिकता इसलिए और तब तक बनी रहेगी जब तक कि विश्व के तमाम देशों में भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आतंकवाद, पर्यावरण की समस्याएं और दुनिया भर में औरतों, बच्चों, विकास